जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल पर। पिछले लेक्चर में जहां से हमने खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में बहुत सारे मेथड पांच हाउ डिस्कस हुआ था और हाउ में पांच मेथड थे और एक एनी अदर होता है, ठीक है। तो पांच मेथड में एक मेथड पहला वाला जो मैं ले रहा हूँ जिसका नाम है कपम, जिसको बोला गया था कपम। कपम मतलब कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड ये है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, सेम अपना जो पुराना एग्जांपल था उसी के ऊपर हम लोग वापस फोकस करेंगे कि टैक्स रेट ये फॉरेन कंट्री है और ये इंडियन कंट्री, ये इंडिया है, ये क्या है, फॉरेन है। मैं यहां पे लिख देता हूं जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी, ये फॉरेन है और ये इंडिया है, ये फॉरेन है और ये इंडिया है। इंडिया के अंदर टैक्स कितना 30% है और 10% टैक्स फॉरेन में है मान लो, और वो 15 टैक्स शिफ्टिंग कर रहा है इंडिया से, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, बेप्स याद है, तो शिफ्ट कर रहा है। वही एग्जांपल था कि उसने एक्चुअली में बेचा कितना, 4000 दिखा है ऑन पेपर, बट एक्चुअली ट्रांजैक्शन जेन्युइन प्राइस कितना था, $6000। जो मैंने यहां पे एग्जांपल लिखा है कि सच्चा सेल प्राइस 6000 होने के नाते उसने दिखाया कितना 4000, तो हो सकता है इन दोनों के प्राइस के बीच में कुछ डिफरेंस हो, कुछ कारण हो सकता है, वो कारण स्क्रूटिनी में उसको जवाब देना पड़ता है। बट यहां पे हम कुछ कारण डिस्कस करते हैं, मान लो वो कारण जेन्युइन है और वो कारण की वजह से, उसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है, वो वजह क्या क्या हो सकते हैं। एग्जांपल अगर मैं लूं तो डिस्काउंट हो सकता है डिस्काउंट अपने बल्क क्वांटिटी में परचेस किया है ना किसने, वाई लिमिटेड, तो डिस्काउंट ज्यादा मिला हो, है ना, और इनको डिस्काउंट नहीं मिला हो आउटसाइडर को। हो सकता है दूसरा कि सामने वाले ने वारंटी पीरियड पे, इनको वारंटी पीरियड नहीं मिली, इनको वारंटी मिला है, वो हम एक डीप में डिस्कस करेंगे। हो सकता है एफओबी सेल है, सीएफ सेल है, ये सारे एग्जांपल में छोटे छोटे आपको लेने वाला हूं और आपको इसको बताने वाला हूं कि क्या कारण की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। और अगर डिफरेंस कोई कारण नहीं है और सच्चा सेल प्राइस ज्यादा है, आपकी प्राइस कम है, तो जो डिफरेंस है वो आपकी इनकम में ऐड किया जाएगा, असेसी के इनकम में उसको ऐड किया जाता है। ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर हमने ये सीखा है, ठीक है। तो चलो एग्जांपल पहले हम लेते हैं कि मान लो डिस्काउंट है, मैंने एग्जांपल लिया, चलो यहां पे लिख दिया मैंने डिस्काउंट का। डिस्काउंट लिया किसने, किसने किसको दिया, एक्स ने किसको दिया बेटा, वाई को डिस्काउंट दिया। एक्स ने किसको दिया, एक्स ने दिया वाई को डिस्काउंट, डॉलर मान लो $4400 का डिस्काउंट दिया। एक्स ने किसको दिया, वाई को डिस्काउंट, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को डिस्काउंट दिया $400 का। क्यों दिया, उसका वजह यह है कि भैया ये बल्क क्वांटिटी में खरीद रहा है, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन इसके साथ हो रहा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी ये खरीद रहा है और ये आउटसाइडर एक दो खरीद रहे हैं। मानो एग्जांपल लैपटॉप की, ये 100-200 लैपटॉप एक साथ खरीद रहा है और ये कितना ले रहे, एक दो, तो सेम प्राइस कैसे होगा भाई, इनके लिए तो कुछ तो स्पेशल होगा ना, इनके लिए डिस्काउंट होगा। तो इनके लिए जो डिस्काउंट है वो मान लो ₹400 का है, तो चीटिंग यहां पे कितना दिख रहा है बेटा, $2000 का चीटिंग दिख रहा है। चोरी जो है ना, चोरी वो $2000 का दिख रहा है, बट अगर डिस्काउंट के बाद ये चोरी दिखेंगे ना तो कुछ और आएगा, कम आएगा, कैसे आएगा, तो फील करो ना कि ये प्राइस है ना, ये छोटा है कि बड़ा है, ये प्राइस है ना, डिस्काउंटेड जो प्राइस होता है वो छोटा होता है बड़ा, ये प्राइस स्मॉल होता है। मैंने आपके समझाने के लिए लिख दिया, एक क्या प्राइस स्मॉल होता है, स्मॉल मतलब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो कर रहे हैं एसोसिएट इंटरप्राइज के बीच में, एसोसिएट इंटरप्राइज क्या होता था, सब लग गम फो वाला रिश्ता है, तो वो एसोसिएट इंटरप्राइज माना जाएगा। और दूसरा जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आउटसाइडर के साथ, आउटसाइडर के साथ जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यूटी बोलते हैं उसको, अनकंट्रोलेबल ट्रांजेक्शन, जो अपने हाथ में कंट्रोल करने के लिए नहीं है, अनकंट्रोलेबल ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो ये जो स्मॉल प्राइस है कौन, $4000, और ये जो 6000 है ना, क्या इससे ये बिग प्राइस होगा, क्यों, इसमें तो डिस्काउंट मिला नहीं है, बड़ा प्राइस होगा। तो अब इनको कंपेयर कैसे कर सकते हैं भाई, एक बड़े को और एक छोटे को कंपेयर करेंगे क्या, नहीं। तो कंपेयर करने के लिए एक लेवल पे लाएंगे, कहां लाएंगे बेटा, एक लेवल पे लाना जरूरी है, तभी जाके तो कंपेयर होगा। क्यों, क्योंकि इसका नाम है कंपेरेबल, इस मेथड का नाम है कंपेरेबल, तो कंपेरेबल तभी होगा जब बराबर वाला होगा, और बराबर लाने के लिए या तो इसको बड़ा कर दो या तो इसको छोटा कर दो। तो इसको छोटा करो या इसको बड़ा करो, इसमें किसको छोटा करो, किसको बड़ा करें, किसको किस लेवल पे लाएं, वो हमारे इस मेथड की दूसरी लाइन बोलती है बेटा। इस लाइन को याद रखना, क्या लिखा ये, अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, ये है कंपेरेबल करो किसको, जो अनकंट्रोल्ड है बेटा, ये अनकंट्रोल्ड है, ये क्या है अपना, अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन है। तो ये बिग प्राइस को क्या करो, छोटा करके इसको स्मॉल करो, स्मॉल करोगे तो क्या, हमेशा आपको एग्जाम में इसी प्राइस से स्टार्ट करना है, इस प्राइस को छेड़खानी नहीं करनी। मतलब जब भी आपकी बात करें ना एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसके साथ, तो आपको छेड़खानी बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। क्यों, क्योंकि जो मजे लेना है वो अनकंट्रोल्ड प्राइस के साथ लो। आपको ये जो प्राइस है
कौन सा एसोसिएट वाले जो बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है उस प्राइस को हाथ नहीं लगाना है, उस ट्रांजेक्शन को हाथ नहीं लगाना है, है ना। हमेशा इससे स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, जो अनकंट्रोल है, क्योंकि मेथड बोलता है कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड। तो वहां से यहां पे मैंने क्या लिख दिया, प्राइस चार्ज इन अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन, जिसका नाम है यूटी, अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन, ठीक है। अच्छा, अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन प्राइस कितना चार्ज हुआ बेटा, 6000 हुआ। देखो मेरे इसमें कितना अमाउंट डॉलर में है, तो $6,000 यहां पे चार्ज किया है, देखो जेन्युइन सच्चा सेल प्राइस। बट वही एडजस्टमेंट की बात करें तो एडजस्टमेंट में कुछ प्लस होगा, कुछ माइनस होगा। जो एडजस्टमेंट करेंगे हम उसको या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, है ना। तो एडजस्टमेंट टू अकाउंट फॉर करेंगे किसको, डिफरेंस बिटवीन आईटी मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एंड यूटी मतलब होता है अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन। ये आईटी है, या आईटी है मतलब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, और ये क्या अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन है, अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन है। अच्छा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ, मान लो डिस्काउंट क्या होगा, लेस होगा। कैसे, ये बिग है इसको डिस्काउंट नहीं मिला, तो इसको स्मॉल बनाने के लिए क्या करो, डिस्काउंट माइनस कर दो 6000 में से। तो मैंने यहां पे क्या किया, डिस्काउंट को माइनस किया, कितना $400। तो ये माइनस होके कितना बचेगा बेटा, $5,600। कैन आई से कि सच्चा सेल प्राइस, एक्चुअली डिफरेंस दिख रहा था 2000 का, बट होना कितना चाहिए, सच्चा सेल प्राइस 5600 आफ्टर डिस्काउंट, है ना। हो सकता है डिस्काउंट दिया वो जेन्युइन डिस्काउंट था, तो आफ्टर डिस्काउंट कितना 5600 होना चाहिए, है ना। तो 5600 और इनके बीच में कितना फर्क है, 4000, अभी भी 5600। तो 5600 अभी भी 1600 का, $1600 का चौरी छोल है। मतलब क्या, सच्चा सेल प्राइस अब देखो यहां पे 5600 हो गया और ये 4000 है। अब इसको क्या करेंगे, कंपेरेबल हो गया, अब कंपेयर करेंगे तो जोल कितना आ रहा है, $1600 का। तो चीटिंग है, चोरी पकड़ी जाएगी। ये एग्जांपल एक था, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार कि डिस्काउंट दे दिया, ऐसा किया तो वैसा किया, तो क्या होगा, वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। वापिस से ये स्मॉल और बिग वापिस से मिटा देते हैं, हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 है मेरा वारंटी का। मान लो कि इसने, अपना ही भाई है ना, एसोसिएट एंटरप्राइज मतलब ये अपना ही भाई है, और अपने भाई को वारंटी दे रहे, वारंटी मतलब समझते हैं वारंटी, यहां पे वारंटी नहीं दे रहे और यहां पे वारंटी दे रहे, यहां पे वारंटी दे रहे, क्यों दे रहे भाई, कि आउटसाइडर है, आउटसाइडर को वारंटी देना पड़ेगा, और जो अपना है भाई है उसको वारंटी वगैरह क्या देना है भाई, बल्क में ले रहा है अपने, लेने दो। तो जो आउटसाइडर को हम वारंटी देते हैं ना बेटा, हम कभी भी वारंटी देते हैं ना तो सोच के रखते हैं इसका ये पार्ट खराब हो सकता है, ये कंपोनेंट खराब हो सकता है, इसका खराब होगा तो कितना चार्ज लगेगा, इतना चार्ज लगेगा, बनाएंगे इतने में, तो आज उसके कॉस्ट में इतना ऐड कर दो। मतलब एडवांस में हम चार्ज कर लेते हैं वारंटी का कॉस्ट, ऑलवेज चार्ज इन एडवांस किसका, वारंटी का कॉस्ट। जो बनाता है प्रोडक्ट उसको पता होता है कि इसमें कितना खर्चा लगेगा, इस पार्ट को बनाने के लिए कितना खर्चा लगेगा, फ्यूचर में ये खराब ज्यादा होता है तो इस पार्ट को चार्ज कितना करेंगे फ्यूचर में, उतना एडवांस में प्राइस में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, प्राइस में ऐड कर देते हैं वारंटी का कॉस्ट। कहने से प्राइस ज्यादा हो गया रहेगा, ज्यादा मतलब बिग, कहने से ये प्राइस क्या होगा, बिग होगा, ये बिग हो गया रहेगा, तो कहने से ये स्मॉल होगा, बराबर। अच्छा, आपके समझाने के लिए बता रहा, ये छोटा ये बड़ा फिर भी कंपेयर नहीं हो सकता। मान लो उसने वारंटी जो दिया था बेटा, ये जो वारंटी इन दोनों के बीच में हुआ था वो मान लो 400 का हुआ था, वारंटी कितना $400 का है, वारंटी का जो कॉस्ट है ना वो 400 का है, और $400 चार्ज कर लिया कस्टमर से, कहने से उसका प्राइस बड़ा हो गया रहेगा, है ना। और हम जिससे वारंटी प्राइस चार्ज नहीं किया उसका छोटा हो गया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा पूछेगा कि ये बीच में गैप क्यों है, तो हम जवाब देंगे, एक एक्सक्यूज दे देंगे। हो सकता है मान लो जेन्युइन है एक्सक्यूजेस, जो बता रहे कारण वो जेन्युइन है, तो जेन्युइन होगा तो वारंटी अमाउंट हमें क्या करना पड़ेगा, लेस ऐड करना पड़ेगा इसमें से, किसमें, ये बिग है, कौन ये बिग है और इस ये क्या स्मॉल है, तो इसको भी क्या करो, स्मॉल करो, इसको भी स्मॉल करो। स्मॉल करना मतलब क्या, डिस्काउंट सॉरी वारंटी प्राइस उतना कम कर देना। ये देखो लेस, इसी में मैं कंटिन्यू करूं, वारंटी कितना है $400, ये माइनस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 5200 आ रहा है। कैन आई से कि अब सच्चा सेल प्राइस कितना होना चाहिए था, 5200 है, कितना 4000, जो चौट्टा है ना चौट्टा वो $1200 अभी भी खा के बैठा, देखो डिफरेंस कितना, $1200 खा के बैठा है। फिर उसने बोला नहीं नहीं नहीं, एक और मेरे पास है बहाना,
बहाना मतलब मान लो तुम जेन्यून है, एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, टच किया जाता है आपको, है ना। तो एक और उसने बोला, बोला क्या, हमने उसको बोला भाई क्या है, तो उसने बताया कि जो ये मिटा रहा हूं वारंटी, उसने क्या बोला कि हम लोग ना ये जो प्राइस है ना, ये अपने लोग को हम किस पे एफओबी पे सेल करते हैं। क्या होता है बता रहा हूं मैं, समझा रहा हूं। और जो ये आउटसाइडर होता है ना, उनको सीआईएफ पे सेल करते हैं। अब सीआईएफ क्या होता है, एफओबी क्या होता है, दो मिनट के लिए समझो। एफओबी मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, और सीआईएफ मतलब होता है कि कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पे देखो ध्यान से, कि यहां पे देखो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। थोड़ा जीने खाने के लिए हमने प्रॉफिट ऐड करना पड़ता है ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो इसको समझने के लिए एफओबी सेलिंग प्राइस क्या होगा, एफओबी में सेलिंग प्राइस अगर देखा जाए तो क्या होगा, एफओबी में सेलिंग प्राइस देखे जाए तो ये ऐसे होगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये कौन सा कॉस्ट बेटा, इंडियन, ये इंडियन कॉस्ट है, अप टू इंडिया, इंडिया भेजने से पहले एक्स का जो कॉस्ट है ना वो इंडिया तक का, और वो इंडिया तक का कैसे मैं समझाता हूं दो मिनट के लिए, तुम्हें यहां पे एग्जांपल लेके, ये देखो चलो ये लिख देता हूं फिर समझाता हूं। दूसरा है ना, दूसरा है सीआईएफ। तो सीआईएफ कैसे होता है, सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस ऐसे होगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जीने खाने के लिए थोड़ा प्रॉफिट। ये कॉस्ट कौन सा होगा, इंडिया का होगा, इंडिया का होगा, कॉस्ट इंडिया का है, प्लस कॉस्ट इंडिया का, फिर क्या लगेगा, इंश्योरेंस, फिर उसमें क्या, फ्रेट। ये मिला के सीआईएफ होता है, कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट, इंडिया का कॉस्ट और फ्रेट इंश्योरेंस। कैसे तो मैं समझाता हूं, मान लो दो मिनट के लिए यहां पे ध्यान से देखो कि ये ना, ये मान लो ये इंडिया है, ये मैं हूं, ये मैं हूं, और ये इंडिया का बॉर्डर है, इधर मान लो बहुत सारे पानी भरा है, पानी भरा है, ठीक है। यहां पे ना, यहां पे ना मान लो ऐसे एक जहाज है, ये जहाज ऐसे ही होता है, मुझे बनाना नहीं आ रहा, ऐसे जहाज है, और यहां पे ना ये फॉरेन आउटसाइडर कस्टमर बैठा है, ये फॉरेन कस्टमर है, फॉरेन कस्टमर ये बाहर बैठा है। तो हम क्या करते हैं बेटा, जब हम सेल करते ना, सेल हम क्या करते हैं, सेल करते सामने वाले को, तो हम इनको बोलते हैं फॉरेन वाले को कि देख भाई मैं तुम्हें माल भेजूंगा, मैं तुम्हें माल सेल करूंगा, लेकिन मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे पता है पानी वानी में जहाज वहाज डूब जाता है ना, मैं लोचा लपाड़ी अपने को नहीं चाहिए भाई, तो पानी में जहाज या डूब जाता है, तो ये क्या सोचा कि देख भाई मैं तेरे को बेच लूंगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी शिप है ना, शिप पे लोड करने तक की, ये इंडिया की धरती है, ये इंडिया का धरती है, और धरती इधर से समुंदर, मेरी जिम्मेदारी यहां तक है, जैसे शिप पे लोड हुआ, लोड हुआ हमारी जिम्मेदारी खत्म। मतलब क्या कि अगर मैं लोड किया, लोडिंग को बोलते हैं ना फ्री बोर्डिंग करना, बोर्ड करना, बोर्ड करते ना बोर्डिंग, तो फ्री मैं फ्री हो जाऊंगा ऑन बोर्डिंग, मतलब जैसे मैं लोड किया ना आई एम फ्री। अच्छा हम यहां पे फ्री हो जाएंगे, कैन आई से इसमें जो प्राइस चार्ज करेगा छोटा होगा, कैसे छोटा होगा, फीलिंग आएगी अभी बता रहा हूं। और ये क्या हो गया एफओबी, और जो सीआईएफ होता है ना सीआईएफ, वो क्या बोलता है, देख भाई तू कस्टमर है मेरा, मैं तेरे यहां तक गुड्स पहुंचा के दूंगा, तेरे यहां तक माल पहुंचा के दूंगा, ये जो जहाज का, जहाज का फ्रेट है ना, फ्रेट भी मैं दूंगा, ये इंडिया तक का कॉस्ट मेरा लगेगा, जहाज का फ्रेट भी मैं दूंगा, जहाज डूब जाती है बार बार उसका इंश्योरेंस का कॉस्ट भी मैं दूंगा। कौन दूंगा, मैं क्या दूंगा, इंश्योरेंस का कॉस्ट दूंगा, मैं तुम्हें जहाज का भाड़ा दूंगा, फ्रेट दूंगा, मैं तुम्हें इंडिया तक यहां तो कॉस्ट वैसे भी लगेगा। तो कहने से जब हम सीआईएफ पे बेचेंगे तो प्राइस ज्यादा चार्ज करेंगे कस्टमर से, क्योंकि मुझे इंश्योरेंस भी देना है, मुझे फ्रेट भी देना है, इसलिए हम चार्ज किससे करेंगे, कस्टमर से ज्यादा करेंगे। ज्यादा करेंगे मतलब सीआईएफ क्या हो गया, बिग, सीआईएफ क्या हो गया, बिग, और ये एफओबी क्या हो गया, स्मॉल। कंपेरेबल है क्या, नहीं, ये कंपेरेबल है क्या बेटा, नहीं, ये मैं मिटा रहा हूं दो मिनट के लिए, ठीक है, ये बेटा कंपेरेबल नहीं। तो कंपेरेबल लाने के लिए एक लेवल पे लाऊंगे, एक लेवल पे जब लाओगे तो क्या होगा, इसको बिग को मैंने कहा ना, ये 4000 मतलब ये क्या, जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज वाला ट्रांजैक्शन है उसको चेड़ने का नहीं, उसको चेड़ने का नहीं, तो इसको क्या करेंगे, बिग को काट के इसको स्मॉल में लाएंगे। अच्छा स्मॉल में लाने के लिए मान लो ये जो एफओबी और सॉरी सीआईएफ में जो इंश्योरेंस, मान लो यहां पे मैं एग्जांपल यहां लिख देता हूं, सीआईएफ के अंदर इंश्योरेंस एंड फ्रेट,
इंश्योरेंस एंड फ्रेट मान लो $300 है, कितना है डॉलर उसका, इंश्योरेंस फ्रेट मिला के कितना है $300 है, ठीक है। तो इंश्योरेंस फ्रेट मिला के कितना बेटा $300 है, और $300 हुआ तो कहने से इसमें में से ये बड़ा है इसमें ऐड होगा $300, तो उसमें से क्या करेंगे निकालेंगे, निकालेंगे मतलब चौटा करेंगे मतलब उल्टा हो गया ना। तो ये बड़ा था इसको छोटा करने के लिए इंश्योरेंस एंड फ्रेट $300 जो डॉलर है ना उसको निकालेंगे, निकालेंगे मतलब क्या हो जाएगा बेटा, निकालेंगे मतलब क्या माइनस, यहां पे माइनस इंश्योरेंस एंड फ्रेट कितना है $300, $300 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा $4,900। अच्छा ये क्या हो जाएगा आर्म लेंथ प्राइस एएलपी, अच्छा एएलपी ग्रेटर देन एक्चुअल ट्रांजेक्शन जो उसने किया है ना, एएलपी आर्म लेंथ प्राइस इज ग्रेटर देन एक्चुअल ट्रांजेक्शन, देन एक्चुअल ट्रांजेक्शन कम है प्राइस कम है और आर्म लेंथ प्राइस ज्यादा है, मतलब सच्चा सेल प्राइस ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस कम, मतलब क्या चौट्टा है वो, चौट्टा मतलब चोरी किया, कितने का किया चोरी, तो माइनस फोर थाउजेंड कर दो डॉलर तो बचेगा कितना बेटा $900 जो डॉलर है ना $900 इसका उसने चोरी किया, और ये इनकम क्या होगा, इनकम शुड बी एडेड टू द एसेसीज इनकम है ना, दिस डिफरेंस एडेड टू द असेसीज इनकम मतलब क्या एक्स के इनकम में $900 क्या हो जाएगा एड हो जाएगा इनकम मान लिया जाएगा, समझ में आया इतना। तो ये कौन सा मेथड था कपम, कपम मतलब कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। अच्छा एक सवाल और पूछते तुमको कि मान लो कि ये जो प्राइस है ये 4000 इसने चार्ज किया था और ये मान लो 3900 आ गया, कितना आ गया 3900, देन ये आर्म लेंथ प्राइस का कैलकुलेशन स्क्रैप कर देंगे, क्यों भाई वो ज्यादा दिखा रहा है, तो ऑलवेज वेलकम भैया, गवर्नमेंट बोलती है ऑलवेज वेलकम, तू सच्चा इंसान है तू अच्छा प्राइस दिखा रहा है, तू 4000 दिखा रहा है तू बहुत अच्छा है इनकम ज्यादा दिखा रहा है, तो गवर्नमेंट को बुरा लगेगा नहीं, और ये आर्म लेंथ प्राइस क्या हो जाएगा स्क्रैच रफ कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे, इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा अगर ये आर्म लेंथ प्राइस कम है और जो प्राइस दिखा है वो ज्यादा है, समझ में आया। ओके ऐसा नहीं होगा कि हाँ माइनस करने दे दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जो है उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखना, तो सच्चा सेल प्राइस ऐसे निकालते हैं और ऐसे कंपेयर करते हैं, ठीक है ये आप लोग लिख लेंगे फटाफट से है ना, और ये ऐसे प्रेजेंटेशन आपको करना है। और हाँ इत्तेफाक से मेरे इसमें सब माइनस माइनस आया, हो सकता है एग्जाम में रट्टा मत करो कि सारे माइनस माइनस ही आए, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि आपका जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वाला है जो एसोसिएट इंटरप्राइज वाला ट्रांजेक्शन है उसको छेड़ना नहीं है, ऑलवेज स्टार्ट विथ किससे भैया आउटसाइडर जो कंपेरेबल ट्रांजेक्शन है अनकंट्रोल्ड कंपेरेबल ट्रांजेक्शन मतलब अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन से ही स्टार्ट करना है, अपने वाले को जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जिसको हम बोलते हैं जिसे दूसरे शब्दों में एसोसिएट ट्रांजेक्शन बोलते हैं उसको छेड़ना नहीं है, ये नहीं कि मैं ये स्मॉल है ये बिग है इसको भी बिग बना दूं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा करोगे एग्जाम में गड़बड़ी हो जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।